हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग बूलियन अलजेब्रा कर लिए। बूलियन अलजेब्रा के बाद हम लोग एक नेक्स्ट टर्म में चलते हैं जिनका नाम है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे SOP भी कहते हैं, S स्टैंड फॉर सम, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ यूज वेन एवर आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट इज़ हाई। सम ऑफ प्रोडक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी डिजिटल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम ABC वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा, अगर 3 वेरिएबल ले रहे हैं तो 2n, और कितना वेरिएबल 3 है, 1, 2, 3, तो यहाँ 2n है, 2n करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो 8 अप टू 8 डेसिमल नंबर हमको लिखना है। ठीक है, तो 8 डेसिमल नंबर मीन्स 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 0 से लेकर 7 तक कितना डिजिट्स हो गया, 8 डिजिट्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं ABC। पहले 1, 2, 3, 4, 0, 4, 1 लिख दिए, 2, 0, 2, 1 इस तरह से कर करके लिख दिया, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1 इस तरह से पुट कर दिए। ठीक है, अभी ये मेन टर्म है, मेन टर्म नेक्स्ट क्लास समझाएंगे इसके बाद, बट इतना जान लो कि जहाँ पर मेरा 0 रहता है वहाँ हम, अगर A का वैल्यू 0 है तो हम इसको A बार बोलेंगे। ठीक है, और अगर A का वैल्यू 1 होता है तो A लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर A का वैल्यू 0 है तो A बार, B का वैल्यू 0 है तो B बार, और C का वैल्यू 0 है तो C बार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, A बार, B बार, C बार। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ A का वैल्यू 0 है तो A बार, यहाँ क्या होगा, B बार, यहाँ C, A बार, B बार, C। उसी तरह से यहाँ पर A बार, B, C बार, A बार, B, C, A, B बार, C बार, A, B बार, C, A, B, C बार, और यहाँ A, B, C, इस तरह से रहा। अब देखो इसका आउटपुट यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका यहाँ 1 है, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, दोनों में तो ये 0, 0 हो गया। यहाँ आउटपुट इसका हाई है क्योंकि यहाँ बीच में 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ 2, 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 1 है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में 1 है तो ये सारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ, और यहाँ अगर मेरा वैल्यू 1 आ रहा है तो यहाँ पर हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, अगर सब में 0 है तो 0। ठीक है, इस तरह से अब इसको क्या करना है, आउटपुट में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन सा टर्म हमको 1 लेना है, हमको 1 वाला टर्म लेना है। 1 कहाँ आया है, यहाँ पर, तो A बार, B, C बार, A बार, B, C बार, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो A, B बार, C बार, A, B बार, C बार, फिर यहाँ 1 आया है M5 के वैल्यू में, A, B बार, C, उसी तरह से A, B, C बार और A, B, C, इसको ऐसे लिख दिए। और A, B और C बार किसका वैल्यू है, M2 का, और ये M4 का वैल्यू है, ये वाला M5 का वैल्यू है, ये M6 का वैल्यू है, और ये M7 का वैल्यू है। तो इसका समेशन हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 का वैल्यू था, 4, 5, 6, 7, तो इस तरह से इसका आउटपुट निकला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मीन्स सिंपल ये समझो कि सम ऑफ प्रोडक्ट अगर बोलता है तो हमको क्या करना है, ये प्रोडक्ट जो है उसका सम। तो देखो ये वाला पूरा प्रोडक्ट है, सबके बीच में क्या है, कुछ नहीं, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो किसका सम है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, सब आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का क्या ले रहे हैं, हम सम ले रहे हैं। देखो यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को ऐड करें, इसको ऐड करें, इससे ऐड करें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी में जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें जो ये वाला टर्म होता है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन टर्म। ये जो दिया है ना मीन टर्म, मीन टर्म किसको बोलते हैं, जो सम ऑफ प्रोडक्ट में जो एक एक टर्म होता है खुद में, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मीन टर्म कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। ठीक है, अभी क्या क्या था कि सम ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स ये जो प्रोडक्ट था उसका सम, अब क्या करेंगे, सम रहेगा उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो फिर यहाँ 3 वेरिएबल लिए है तो 2 का पावर में 3, 2 का पावर में 3 मीन्स 8, तो 0 to 7 सारे वेरिएबल्स को वैसे पुट कर दिए, पहले 4, 0, 4, 1, फिर 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, फिर 0, 1, 0, 1, 0, 1, इस तरह से पुट कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ इसका ऑपोजिट हो जाता है कि अगर मेरे पास A का वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, A लेंगे, और अगर A का वैल्यू 1 है तो क्या लेंगे, A बार लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 है तो A, अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। वेन एवर आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट का कोई भी आउटपुट अगर लो रहता है तो उसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम।
तो देखो यहाँ पर ए है, मीन्स ए के लिए हमको क्या लेना है, ए सॉरी ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए ए लेना है, ठीक है। वहाँ पे क्या ले रहे थे हम, ए बार ले रहे थे, यहाँ ए लेना है जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ ए प्लस बी, फिर वन है तो वन के लिए क्या लेंगे, सी बार ले लेंगे, सी बार। अब यहाँ ए की जगह ज़ीरो है तो ए, बी की जगह वन है तो प्लस करके बी बार, और यहाँ सी की जगह ज़ीरो है तो सी। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार, ठीक है। फिर ए ए बार प्लस बी प्लस सी, फिर ए बार प्लस बी प्लस सी बार, फिर यहाँ पर ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और यहाँ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इस तरह से देखो, तो ये वाला जो मेरा हाई आउटपुट था वो तो वन बनाया हमको, तो इनपुट वाला लो इनपुट लेना है, तो ये वाला टर्म लेंगे, ये वाला टर्म लेंगे और ये वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो ये सारे सम्स को लिखेंगे हम लोग एक साथ, तो सारे सम्स को एक साथ लिखते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बार, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ए प्लस बी बार प्लस सी बार। तो मतलब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द सम, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम का क्या ले रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, इसलिए इसको प्रोडक्ट ऑफ द सम कहते हैं। तो ये किसका वैल्यू, एम जीरो का है, ये एम वन का वैल्यू है, ये एम थ्री का वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ द सम में ये वाला जो एक एक टर्म होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्स टर्म, क्या कहते हैं, मैक्स टर्म, राइट। तो ये हो गया। उसी तरह से यहाँ मिन टर्म और मैक्स टर्म का यहाँ डेफिनेशन आता है कि ये प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म जो सारे वेरिएबल्स कंटेन करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिन टर्म, जैसे ये है ना। तो ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम, मिन टर्म मिन टर्म मिन टर्म, ये एक मिन टर्म है, ये दो मिन टर्म है, ये तीन मिन टर्म है। उस जैसे मैक्स टर्म क्या होता है, सबका सम, ए प्लस बी प्लस सी, एक मैक्स टर्म हो गया, ये एक मैक्स टर्म हो गया, ये एक मैक्स टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, थ्री वेरिएबल्स थे तो डेसिमल नंबर 0 to 7 वेरिएबल्स 0 0 0 0 0 1, इस तरह से पूरा वेरिएबल्स ले लेंगे। और मिन टर्म के लिए और मैक्स टर्म के लिए जस्ट हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं। मिन टर्म है, अगर मिन टर्म के लिए ले ले तो मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, और ज़ीरो की जगह अगर ए का वैल्यू ज़ीरो है तो ए बार, बी का वैल्यू ज़ीरो है तो बी बार, ठीक है। अगर ए का वैल्यू वन है तो ए बस, बट इसके अपोजिट में अगर हम मैक्स टर्म लेते हैं तो प्लस ले लेते हैं, और अगर ज़ीरो है तो ए लेते हैं, ए का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ए लेते हैं, बी का वैल्यू ज़ीरो है तो बी, और सी का वैल्यू ज़ीरो है तो सी। अगर ए में वन आ जाता है तो मैक्स टर्म में हम ए बार लिख देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर लिखा है लिटरल्स, ठीक है। तो ए और बी थ्री वेरिएबल्स है तो 2n, अगर 2 वेरिएबल्स ए और बी है तो 2n, तो 2 2 4, तो यहाँ पर 4 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, 4 डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट है, ए का वैल्यू ज़ीरो है तो ए बार लेंगे, और ए का वैल्यू वन है तो ए लेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ सम है तो ए का वैल्यू ज़ीरो है तो ए लेंगे, और ए का वैल्यू वन है तो ए बार लेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, उसको एक्सप्रेशन को बोल रहा है मिनिमाइज करना, एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखने। तो ये क्या है, पहले हम इसको, ये वाला दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हमको नहीं पता रहेगा, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट को। तो ये दिया वह है 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इसका देखो आउटपुट में 1 यहाँ इधर है तो ये 0, इसका आउटपुट 1, और इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक, क्योंकि ये लास्ट में इधर 1 है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 ले रहे हैं। हमको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो 1 कहाँ कहाँ है, ये ए है ना, बी है, ठीक है। तो ए और बी, ए इंटू बी, लेकिन यहाँ ए की जगह 0 है तो ए बार, और बी की जगह 0 है तो बी बार। फिर 1 यहाँ पर है तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ बी का वैल्यू 0 है तो बी बार हो गया। फिर प्लस, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है तो ए, बी का वैल्यू 1 है तो बी, तो ए बी, ठीक है। तो ये वाला हम लोग लिख लिए, क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 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 इसका सम। अब देखो यहाँ से हम बी बार कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए बार प्लस ए, ठीक है, और यहाँ ए बी, और ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये बी प्लस ए इंटू बी। तो देखो बी बार प्लस ए बी, ठीक, तो बी बार प्लस ए लिख सकते हैं, और बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस बी, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, मतलब लोअर वाला टर्म, मीन जो लोएस्ट टर्म होता है, लोएस्ट टर्म मीन्स जिसका आउटपुट 0 होता है। तो देखो आउटपुट में 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 है तो बी बार, तो ये मैक्स टर्म आ गया मेरा, और ये वाला मेन टर्म जैसा था, ठीक है।